नमस्कार, सभी का स्वागत है। दरभंगा जिला के सिधौली पंचायत की अगर बात करें तो यहाँ ग्राम पंचायत भवन पर आज नागेश्वर दास जो दिव्यांग मुखिया बने हैं इस बार, और उप मुखिया, सभी लोग इस वक्त मौजूद हैं। उप मुखिया पति और दिव्यांग मुखिया जो नागेश्वर दास बने हैं, उन सभी लोगों को आप देख सकते हैं यहाँ पर झंडा तोलन किया जा रहा है। 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुखिया के परिवार के लोग यहाँ पर जमा हैं, पंचायत सेवक हैं। लेकिन अजीबो गरीब मामला जिला में पहली तस्वीर आपको दिखाएंगे भारत उदय समाचार पर, जहाँ पर उप मुखिया एक रस्सी को पकड़े हुए हैं, उप मुखिया एक रस्सी को पकड़े हुए हैं और उप मुखिया पति दूसरे रस्सी को पकड़े हुए हैं। झंडोत्तोलन दो दो लोग एक साथ कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि दोनों लोगों को श्रेय लेना है कि हमने झंडोत्तोलन किया। आपको बता दी कि पंचायत के लोगों को यह दिखाना है कि हमने झंडोत्तोलन किया। इस तरह से आप देख सकते हैं, यह पहली तस्वीर यह सिधौली पंचायत से आप देखेंगे यहां पर, और नागेश्वर दास यहां पर सलामी दे रहे हैं। आपको आगे इंटरव्यू सुनाएंगे कि आखिरकार नागेश्वर दास और उप मुखिया पति ने क्या कहा है, कि कैसे पंचायत में विकास हो रहा है और कैसे सिधौली पंचायत का विकास होगा। इन सभी बातों पर पंचायत सेवक जो शिवनाथ मंडल है उनका भी इंटरव्यू सुनाएंगे। देखिए पूरा कवरेज, आप देख सकते हैं यहां पर सभी लोग इस वक्त मौजूद हैं। और सबसे जो तस्वीर हमने दिखाया यहां पर, कि जो मुखिया हैं और उप मुखिया हैं दोनों मिलकर एक साथ यहां पर झंडोत्तोलन किए हैं। सिधौली पंचायत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा, देख सकते हैं यहां पर। दिवस है, क्या शुभकामना देंगे और क्या करना चाहते हैं? आज हम अपने पंचायत वासी के साथ साथ पूरे देश वासियों को हम ये शुभकामना दे रहे हैं कि हमारे जितने वीर जवान शहीद हुए और सब के सब जो शहीद हुए वो भी हमारे ही आपके तरह कोई खेतिहर किसान थे, तो कोई पठन पाठन का काम कर रहे थे, कोई जॉब में थे, पेशा में थे, सभी कार्यों को करते हुए देश पर जो अतिक्रमण था उस अतिक्रमण के कारण हमारे देशवासी अपने आप को तकलीफ महसूस कर रहे थे, दिक्कत महसूस कर रहे थे। हमारा देश तरक्की नहीं हो रहा था, उसमें जितने हमारे शहादत हुए वीर जवान उनसे प्रेरणा लेकर, उनसे शिक्षा लेकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी से प्रेरणा लेकर, महात्मा गांधी जी से प्रेरणा लेकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से प्रेरणा लेकर, और जितने हमारे एक से एक वीर जवान जो शहीद हुए उनसे प्रेरणा लेकर हम भी अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए इसी तरह का एक मिसाल कायम करें, उसी तरह का काम करें जो आने वाला दिन में लोग हमें भी याद करेंगे। यही शुभकामना है, यही हमारे पूरे पंचायत वासियों से भी अपेक्षा भी है, इसी तरह का सहयोग मिले। आज हम मुखिया बने हैं। अरे भाई क्या मजाक कर रहे हो? आज हम मुखिया बने हैं और मुखिया हम इन पंचायत वासियों की कृपा और सहयोग से बने हैं। जिस आशा और विश्वास को लेकर के हमें मुखिया बनाए हैं, मैं उन आशा और विश्वास पर खरा उतरूंगा। अभी लोहिया स्वच्छ भारत के अंतर्गत फेज 2 चल रहा है, जिसके तहत पूरे पंचायत को सर्वांगीण विकास करने का योजना मेरे पास उपलब्ध है। हम चाहेंगे कि हमारे तमाम कैबिनेट और हमारे समाज के जो ये प्रबुद्ध गार्जियन गण हैं और जितने शिक्षित और युवा वर्ग हैं, सबों का हमको सहयोग और प्यार मिले, हम अपने पंचायत को सर्वांगीण विकास करेंगे, ये मेरा वादा है। क्या शुभकामना देंगे आज के दिन? सिधौली पंचायत के समस्त वासियों को हम गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना देते हैं और आशा रखते हैं कि इसी तरह हम लोग फिर साथ चले और साथ सबका विकास हो। क्या नाम हुआ? नाम क्या हुआ जी? बैद्यनाथ यादव। आज के दिन, आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमारे माननीय मुखिया जी के झंडोत्तोलन हुआ है। कहाँ पर? पंचायत भवन, उप मुखिया पंचायत भवन सिधौली में हुआ है यादव जी। अब हम जो है तो जाना है, माननीय मुखिया जी जो सब जनता से गप कर लेंगे इसके बाद निकल देंगे। क्या नाम हुआ आपका? शिवनाथ मंडल। क्या थे आप यहाँ पर? पंचायत सचिव। और इस तरीके से सभी लोग एकत्रित होकर के, जैसा कि अभी पूरे देश में
हमारे मुल्क में इस तरीके का कार्यक्रम चल रहा है जो कोरोना काल को लेकर के उसकी गाइडलाइन को देखते हुए हम लोग इस पर गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। सभी लोग हैं, गांव समाज के सभी लोग हैं, बच्चे बुजुर्ग महिलाएं हैं, नौजवान साथी हैं और पंचायत के वर्तमान प्रतिनिधिगण हैं। तो बड़ा खुशी की बात है कि इस तरह का मौका पहली बार मिला है। इससे पूर्व में भी मैं 5 साल समिति रहा हूँ और इस तरीके से कार्यक्रम में जो आयोजन होती थी उसमें हम लोगों को किसी तरह का कोई सूचना भी नहीं मिलता था। लेकिन मेरे अपने आवास पर भी पूर्व में 5 साल से भी हम करते रहे हैं झंडा तोलन। और उसी तरीके से मुखिया जी को मैंने पहले भी कहा था कि आप जो समय सारणी रखेंगे वो उसमें थोड़ा डिस्टेंस रहेगा, हमारे समय सारणी के अगर भीन होगी तो मैं जरूर उपस्थित होऊंगा। और हुआ भी सभी लोगों के समक्ष बहुत सुंदर लगा हमको। पहली बार में गणतंत्र दिवस में बड़ा हमको अपने आप में हर्ष हुआ और बहुत अपने आप को फील महसूस कर रहा हूँ कि जो इस तरीके आमंत्रित हुए। सभी लोगों का है कि भाई समाज में सब अपना अच्छे तरीके से चले, सभी प्रतिनिधियों मुखिया जी हैं सब लोग चले, विचारधाराओं के साथ मिलजुल करके आगे कार्रवाई चलेगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना का भी समय है, कोरोना गाइडलाइन को पालन करते हुए आप सभी आदमी सम्मानित ढंग से अपने अपने कुर्सी पर बैठ जाएंगे। वहाँ ही हमारे जो गणमान्य अतिथिगण आए हैं वो अपना अपना विचार 2 शब्द रखेंगे। उसके बाद आप सबों को अपने अपने गंतव्य स्थान पर ही प्रसाद दे दिया जाएगा। आप लोग स्थान पर बैठ जाएंगे। निवेदन है जो कुर्सी पर्याप्त कुर्सी लगाया गया है आप लोग अपना अपना स्थान। मुख्य गार्जियन और विचारवान व्यक्ति हमारे मुखिया जी आप आए और झंडा उत्तोलन का कार्य फिर करें। टाइम नहीं हुआ, 2 मिनट और, 1 मिनट और, 1 मिनट और। मांगे गाहे कब जय गाथा जल गल मंगल दायक जल भाग्य विधाता जय 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 जय